हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वी लुकअप के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूँ। बेसिकली जो अभी तक सीक्रेट रखा गया है उसके लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। वी लुकअप में चार पैरामीटर होते हैं, जिसमें पहला होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है टेबल एरे, तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स एंड फोर्थ होता है आपका रेंज लुकअप, जिसमें आप ट्रू या फॉल्स देते हो। तो फॉल्स का यूज़ तो जानते हैं लोग, ज़ीरो करके निकाल लेते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, बट ट्रू जो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए होता है उसका, चलिए एग्जांपल देखते हैं कि वो कहाँ आपके यूज़ आ सकता है। और बेसिकली ये आपके लुकअप लुकअप फार्मूला से इनहेरिटेड है, तो देखते हैं क्या यूज़ है इसका। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी लुकअप का सीक्रेट पैरामीटर, सबसे पहले आप देखते हैं एक एग्जांपल को, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कुछ सेल्स फिगर्स हैं और मुझे देना है इंसेंटिव, तो 0 से 50,000 तक 0 है, 50,000, 1 से 1,00,000 तक 1,000 रुपए इंसेंटिव है, इसी तरह स्लैब बना हुआ पूरा। ठीक है, तो इसमें मैं इंसेंटिव देना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा फॉर्मूला इसके साथ यूज करूंगा। इसके लिए मोस्टली लोग इफ का यूज करते हैं, इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपको इसमें 7-8 कंडीशंस लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको वी लुकअप से यही चीज करके दिखाता हूँ कि हम वी लुकअप से कैसे करेंगे। हम लिखेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में मैं सेल्स फिगर ले लूंगा, फिर देन मैं इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसमें कॉलम इंडेक्स क्या दूंगा, थर्ड से इंसेंटिव उठाना, और बस। तो आप देख सकते हैं कि मेरा इंसेंटिव अमाउंट यहाँ पे, इसको मैंने ड्रैग कर लिया, आ चुका है। तो आप देखते हैं कि फिगर सही है कि नहीं, 2,69,436 के लिए इंसेंटिव वो इस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें नहीं, इस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये रहा 5,000 रुपये, 4,30,000, तो 3,00,000 से ऊपर है 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? बेसिकली क्या होता है कि जब हम कॉलम इंडेक्स के बाद रेंज लुकअप, ये देखिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। तो आप जब जीरो देते हैं यहाँ पे या फॉल्स देते हैं, तो उसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, मतलब कि मेरी ये सेल्स वाली फिगर लुकअप वैल्यू एग्जैक्टली मेरे फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे 1 देते हैं या कुछ नहीं देते हैं या ट्रू देते हैं, उस केस में क्या होता है, ये वैल्यू को लुकअप करता है, और वैल्यू ना मिलने पर उस वैल्यू को से उस वैल्यू को ट्रीट करता है, जैसे कि 2,69,000 है, तो यहाँ से ये सर्च करता हुआ आएगा, और सबसे बड़ी वैल्यू जो कि हमारी लुकअप वैल्यू से छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जो लुकअप वैल्यू से छोटी है, तो ये वैल्यू है 2,50,000, सबसे बड़ी वैल्यू जो लुकअप वैल्यू से छोटी हो, तो उसमें से ये हमको दे देगा। ये मैक्स में जो लिखा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर इसमें एग्जैक्ट मैच आता है कहीं भी, मान लीजिए अगर मैं इसको दे देता हूं 1,01,000, तो इसमें तो इसे वैल्यू मिल जाती है, तो एग्जैक्ट देता है। और साथ में अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू जो लुकअप वैल्यू से छोटी हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वी लुकअप में रेंज लुकअप काम करता है। इसी सेम फॉर्मूला में हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं लुकअप का, जिसमें हम देंगे लुकअप वैल्यू, इसमें मांगता है लुकअप वेक्टर, मतलब वो वैल्यू कहाँ ढूंढी जाएगी। तो मैं इस वेक्टर को सिलेक्ट कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, देन रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट वेक्टर जैसे कि ऑप्शनल में, अगर मैं ये नहीं देता हूं तो ये वैल्यू इसी में से, मतलब मेरे लुकअप वेक्टर में से ही वैल्यू देगा उधर। तो मैं यहाँ पे मुझे इंसेंटिव देना है तो रिजल्ट वेक्टर दे देता हूँ, तो आप देखेंगे ये दोनों सेम काम करते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका आपको ग्रेड निकालना है, इस तरह से ग्रेडिंग करनी है, तो आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि किसके कौन सा ग्रेड आया,
वी लुकअप ने ये सिलेक्ट किया और कॉलम इंडेक्स 3 और कुछ नहीं, तो ये हमारा ग्रेड आ गया। चार लोग फेल हो गए बताओ। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, सेम लुकअप का भी कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर। अब देखिए अगर मैं कोई रिजल्ट नहीं देता हूं इसमें तो ये क्या देता है, रिजल्ट वेक्टर नहीं देता हूं तो ये हमें उसका सीधा ग्रेडिंग पैरामीटर दे देता है जिससे वो वैल्यू उठाने वाला है। ठीक है, जैसे 97 91 की कैटेगरी में पड़ता है, तो चलिए मैं रिजल्ट वेक्टर भी दे देता हूं यहां पे। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और वी लुकअप के इस फीचर के बारे में लोगों को बहुत कम को पता होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।